पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के जानलेवा संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के 6,654 नए केस मिले हैं। ये एक दिन का अब तक का सर्वाधिक है। कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने से देश में इसके रोगियों की संख्या 1,25,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 137 लोगों की मौत हुई है। कुल मौतों का आंकड़ा 3,700 को पार कर गया है। अब आते हैं गाजीपुर और पूर्वांचल की हालत पर। पिछले 24 घंटे के दौरान गाजीपुर में तो कोरोना संक्रमण के 2 ही नए मामले मिले, लेकिन ठीक बगल के जिले में काफी संख्या में मरीज मिले हैं। हम बात कर रहे हैं जौनपुर की। शुक्रवार को जौनपुर में एक ही साथ कोरोना संक्रमण के 43 नए मामले मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी लोग प्रवासी हैं। खतरे की बात यह है कि ये मामले जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं और ज्यादातर केस में संक्रमित होम क्वारंटीन थे। यानी अब ये पता लगाना चुनौती है कि ये मरीज कितने लोगों के संपर्क में आए। इसी तरह भदोही में भी कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले मिले हैं। बनारस के लिए शुक्रवार का दिन ठीक रहा। 200 से अधिक सैंपल टेस्ट के बाद नेगेटिव पाए गए हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन के बाद भी संक्रमितों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है। उनके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में मृत्यु को टाला गया है, मामलों को बड़ी संख्या में बढ़ने से रोका गया है। सरकार ने बताया कि लॉकडाउन करने से संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हुई है, साथ ही संक्रमण का अधिकतर प्रकोप सीमित इलाकों तक ही है। लॉकडाउन में इस बार काफी हद तक ढील भी मिली है। लोग अब धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे हैं, इसलिए सतर्कता बरतना और भी जरूरी है। अपने कार्यस्थल पर सतहों व वस्तुओं को कीटनाशक से रोजाना साफ करें। कर्मचारियों व आगंतुकों द्वारा नियमित रूप से हाथ धोने को बढ़ावा दें। कार्यस्थल पर प्रमुख स्थानों पर हैंड सैनिटाइजेशन के लिए डिस्पेंसर लगाएं। ऐसा करना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करें। जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर ही निकलें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।